हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपी एकेडमी में। दोस्तों, एमपी जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में के चौथे पार्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं तीन पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये मेरा चौथा पार्ट है। और यदि आपने वो पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देखें। और ये आने वाले, चाहे वो एमपी जेल डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे आने वाला आपका एमपी बोर्ड का, उसका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलते हैं समय न लेते हुए वीडियो में। दोस्तों, यदि आपने जेपी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप वीडियो अंत तक देखें। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जिप्सम कहाँ पाया जाता है? आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जगह में जिप्सम पाया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है शिवपुरी, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्वालियर, तीसरा है शहडोल और इंदौर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो जिप्सम खनिज है वो आपका शहडोल में पाया जाता है। किस जगह पे पाया जाता है दोस्तों जिप्सम खनिज? शहडोल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्यपालों के कार्यकाल में सबसे कम कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा? दोस्तों, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। ये दोस्तों आपके सबसे पहले हैं राज्यपाल मध्य प्रदेश के। अगला है श्री केसी रेड्डी और अगला सा है श्री एन एन वांचू और दा ऑप्शन है श्रीमती सरला ग्रहलवाल। दोस्तों, सबसे कम जो कार्यकाल रहा वो श्रीमती सरला गहरवाल का ही सबसे कम कार्यकाल रहा है। दा ऑप्शन इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन आपका इंदौर है, दूसरा ऑप्शन आपका भोपाल, तीसरा ऑप्शन है आपका ग्वालियर और चौथा ऑप्शन है आपका रीवा। तो गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय आपका ग्वालियर में है। किस जगह पे है दोस्तों? ग्वालियर में है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम है? इंदौर विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय, जबलपुर पुलिस विश्वविद्यालय या सागर विश्वविद्यालय? दोस्तों, जो डॉक्टर हरि सिंह गौर है वो आपकी सागर में है। तो पहले इसका नाम सागर विश्वविद्यालय था जिसका नाम बदलकर डॉक्टर हरि सिंह गौर रख दिया गया। बढ़ते हैं दोस्तों और अगले पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश सुगम संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? कालिदास, इकबाल सम्मान दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है लता मंगेशकर और द ऑप्शन है तुलसी सम्मान। दोस्तों, मध्य प्रदेश से जो संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है लता मंगेशकर पुरस्कार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा की सहायक नदियों का जल किस सागर में मिल जाता है? मतलब ये सीधी बात आपको ये बताना है कि नर्मदा नदी जाके किस नदी में, कहाँ, सॉरी, किस सागर में मिलता है। तो नर्मदा नदी जो है आपकी वो कहाँ पे जाती है? खंबात की खाड़ी। कहाँ गिरती है नर्मदा नदी आपकी? खंबात की खाड़ी में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, सातवें नंबर की ओर। सातवां क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1972, 1980, 1981
या 1986? आपको ये बताना है मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों मध्य प्रदेश फिल्म निगम की स्थापना, फिल्म विकास निगम की स्थापना 1980 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1980 में। बढ़ते हैं हम और आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में बुंदेली भाषा नहीं बोली जाती है? पहला रीवा, दूसरा ऑप्शन गुना, दतिया और शिवपुरी। ये दोस्तों सब बुंदेली बोले जाने वाले जिले हैं, लेकिन आपका जो रीवा है वहां पे आपका बुंदेली नहीं बोली जाती है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका नौवे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, नौवा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में, सॉरी 2004 में मध्य प्रदेश के किस नगर में सिंहस्थ मेला का आयोजन होता है? तो सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है? इंदौर में, भोपाल में, अमरकंटक में या उज्जैन में? तो आपको ये बताना है कि सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है। तो सिंहस्थ मेला दोस्तों कहाँ लगता है आपका? उज्जैन में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दसवां क्वेश्चन है आपका, दसवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? बीना है या ग्वालियर है या इटारसी है या भोपाल है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन आपका इटारसी है। कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन इटारसी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकाल में औसत तापमान कितना है? मध्य प्रदेश का तापमान बताना है आपको, ग्रीष्म काल का औसत तापमान कितना रहता है? 21 डिग्री, 32 डिग्री, 35 डिग्री या 36 डिग्री? तो जो दोस्तों मध्य प्रदेश का औसत तापमान रहता है वो रहता है आपका 32 डिग्री सेंटीग्रेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वनों में सबसे अधिक पेड़ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस चीज के वन हैं? सागौन के, शीशम के, साल के या आम के? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष हैं। किसके वृक्ष हैं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में? सागौन के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदौर में स्थापित किए जाने वाले भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगीकरण केंद्र का नाम क्या है? तो दोस्तों क्या नाम है आप खुद बताएं। कैट आ रहा है आंसर में, पहला जो औद्योगिक केंद्र उसका नाम था कैट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? सबसे पहला उच्च न्यायालय आपका कहाँ है? जबलपुर में है। किस जगह पे दोस्तों? सबको पता है मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में है, और इसकी जो दो खंडपीठ है आपकी वो आपका इंदौर और ग्वालियर में है। किस जगह पे है दोस्तों? इंदौर और ग्वालियर में। इसलिए मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो तो है आपका सागर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यत्न जल बना रहता है? सोन नदी, नर्मदा नदी या उपरोक्त सभी? तो आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है। तो दोस्तों इन सभी में रहता है, चाहे वो सोन नदी हो, चाहे आपकी केन नदी हो, चाहे नर्मदा नदी हो, इनमें वर्ष भर जल आपका रहता है। तो उपरोक्त सही आपका ये आंसर होगा, द आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? संगमरमर की चट्टाने कहाँ हैं? उज्जैन में है, इंदौर में है या जबलपुर में है या मांडू में है? दोस्तों
दोस्तों जो संगमरमर की चट्टाने हैं वो आपका है किस जगह पे, जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो दोस्तों ग्वालियर के जो सिंधिया थे वो आपको पता है कि सबसे अधिक इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिनके कारण ही महारानी लक्ष्मीबाई मारी गई थी। तो ये सब आपको पता है, सिंधिया परिवार जो था वो अंग्रेजों के साथ था उस समय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? नर्मदा घाटी वाला, या चंबल घाटी, या आपकी उत्तरी क्षेत्र, या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? तो दोस्तों आपको बताना है गोंडवाना क्षेत्र कौन कहलाता है। तो आपका जो दक्षिण पूर्वी इलाका है वो आपका गोंडवाना कहलाता है। क्या कहलाता है? गोंडवाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? एलुमिनियम पाया जाता है, एम्बेस्टॉस पाया जाता है, बेरियम पाया जाता है, या बॉक्साइट? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में इनमें से बॉक्साइट अयस्क सर्वाधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट अयस्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा हुआ है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। आपको ये बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? मांडू में है, ग्वालियर में है, भोपाल में है, या इंदौर में? तो दोस्तों सबसे बड़ी मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद आपकी भोपाल में है, और सबसे छोटी भी भोपाल में है। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन। भोपाल बसा है, आपको ये बताना है भोपाल कहाँ बसा है, किस क्षेत्र में? पहला है भोपाल बसा है सात पहाड़ों पर, या पांच पहाड़ियों पर, एक पहाड़ी पर, तीन पहाड़ी पर? आपको ये बताना है। तो भोपाल कहाँ बसा है? सो भोपाल बसा है आपका सात पहाड़ियों पर। कहाँ बसा है? पहला आंसर इसका बिल्कुल सही है आपका, सात पहाड़ियों पर भोपाल बसा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22। आपको ये बताना है कि बीना ताप परियोजना स्थित है। आपको ये बताना है बीना ताप परियोजना कहाँ है? सागर में है, खंडवा में है, खरगोन में है, खरगोन में है, या आपका इंदौर में है? तो बीना आपका कहाँ है? बीना है आपका सागर में। किस जगह पे है दोस्तों? सागर में। बीना परियोजना किस जगह पे है? सागर में। पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? मालवी, बुंदेली, गौड़ी, या कौरवी? तो दोस्तों ये जो आपकी कौरवी बोली है ये मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। मालवा के पठार में मालवी बोली जाती है, बुंदेलखंड के पठार में बुंदेली बोली जाती है, गौड़ी भाषा चूंकि गौड़ जनजाति अधिक है ये सब बोली जाती है, केवल कौरवी जन भाषा आपकी नहीं बोली जाती है। बढ़ते हैं अगले 24 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है, खंडवा में है, खरगोन में है, या आपका जबलपुर में है, या इंदौर में है? तो आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है। दोस्तों जो मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र है वो है आपका खंडवा में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राजवंश ने मध्य प्रदेश को प्रसिद्ध और खजुराहो के मंदिर दिए? तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर जो निर्माण किए गए वो किस राजवंश ने किए? परमार ने, मौर्य वंश ने, चंदेल ने, या होलकर ने? तो आप सब जानते हैं खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया। किन्होंने करवाया दोस्तों? चंदेल राजाओं ने। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कि
मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है? तो दोस्तों आपको ये बताना है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा के नीचे। दोस्तों ये सब ऑप्शन आपके गलत हैं। सही आंसर है आपका 48 पॉइंट, आपकी 48.78, मतलब करीब 50% जनसंख्या अभी भी आपकी 48.78% जनसंख्या मध्य प्रदेश की है अभी भी, जो आपका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, 48.78। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है आल्हा उदल संबंधित है। तो दोस्तों आपने आल्हा उदल की बहुत कहानी सुनी होंगी, बहुत बहादुर योद्धा थे ये, आपके महोबा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है दोस्तों? महोबा से। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? आपको ये बताना है कि इन मंदिरों में से कौन सा मंदिर आपका खजुराहो में नहीं है। पहला है कंकरदिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, या दशा उतार मंदिर, या चित्रगुप्त मंदिर। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा मंदिर आपका मध्य प्रदेश में नहीं आता है। तो दशा उतार मंदिर जो है वो आपका खजुराहो में नहीं है। यहाँ बताना है 64 योगिनी मंदिर भी आपका खजुराहो में है, करंदिया महादेव मंदिर भी आपका खजुराहो में है, और चित्रगुप्त मंदिर भी आपका खजुराहो में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वह कौन सी थी? तो आपको अच्छे से याद है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस कांड में जो गैस निकली थी जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। दोस्तों जो भोपाल से गैस निकली थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांची का स्तूप का संबंध है। आपको ये बताना है कि सांची का स्तूप का संबंध है चंद्रगुप्त से, या कौटिल्य से, गौतम बुद्ध से, या हम महावीर स्वामी से। तो दोस्तों जो सांची का स्तूप है वो संबंधित आपका किससे है? गौतम बुद्ध से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो आपको ये बताना है इनमें से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा। प्रकाश चंद्र सेठी पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है श्री गोविंद नारायण, ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वीसी शुक्ल और डीपी मिश्रा। दोस्तों वीसी शुक्ल ये आपके कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं मध्य प्रदेश के। सा आंसर इसका सही है। कौन सा आंसर सही है दोस्तों? सा आंसर। बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें लिखा हुआ है चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? इंदिरा गांधी, इंदिरा सागर, या सरदार सरोवर, या गांधी सागर, या आपका भाखड़ा बांध। तो चंबल नदी पर दोस्तों कौन सा है? गांधी सागर बांध। दोस्तों आपको पता चल गया चंबल नदी पर कौन सा बांध है? चंबल नदी पर है दोस्तों आपका गांधी सागर बांध। तो दोस्तों चंबल नदी पर आपको कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? आपको ये बताना है कि ताप्ती नदी आपकी कहाँ से निकलती है। आपका प्रश्न है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? होशंगाबाद है, हरदा है, बैतूल है, या छिंदवाड़ा है? तो दोस्तों ताप्ती नदी आपकी कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के समय कितने जिले थे? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ?
45 जिले, वर्तमान में अब कितने हो गए हैं, 52 जिले, 52 जिले मध्य प्रदेश में हैं। और 52वां जिला आपका कौन सा है, निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की, माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया या जीवाजी राव सिंधिया। तो आपको ये बताना है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो महादजी सिंधिया ने, सा ऑप्शन इसका दोस्तों सही आंसर है। अगले बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है भीम बैठका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं एवं शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी के लिए। तो आपको ये बताना है भीम बैठकाएं क्यों प्रसिद्ध हैं। तो भीम बैठका में दोस्तों क्या है, गुफाएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन के बाद 37 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें लिखा हुआ है चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, भिंड से, रतलाम से, महू से या उज्जैन से। तो आप सब जानते हैं चंबल नदी महू से निकली है, इंदौर के पास से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय आपका कहाँ है। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या कलकत्ता, ये ऑप्शन है आपके। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख सकते हैं। आपका इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय आपका भोपाल में है, किस जगह पे दोस्तों, भोपाल में। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता, भारत का कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये आपका प्रश्न है। कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता है दोस्तों भारत का, 60% तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, पूरे भारत का 60% आपका मध्य प्रदेश में है। बढ़ते दोस्तों और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें लिखा हुआ है स्वतंत्रता के पूर्व में पूर्व इंदौर के लिए रियासत का शासन कौन था, आपका स्वतंत्रता के समय पूर्व इंदौर में किसका शासन था, होलकर का था, मराठाओं का था, सिंधिया का था या मालवा। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि तो आपका जो इंदौर में जो शासन था वो किनका था, होलकरों का। किनका था दोस्तों, होलकर का, आपका पहला आंसर इसका बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं दोस्तों और आगे, अगले क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, लिखा है मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध तीर्थ किस जिले में है। तो आपको ये बताना है मुक्तागिरी कहाँ है, पहला ऑप्शन आपका होशंगाबाद है, दूसरा ऑप्शन आपका सागर है, सा ऑप्शन आपका भोपाल और द ऑप्शन है आपका बैतूल। तो आपको बताना है मुक्तागिरी कहाँ है, तो मुक्तागिरी दोस्तों किस जगह पे है आपका, सागर में। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आक्रमण किया था, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि मेदिनी राय पर किसने आक्रमण किया था, तो मेदिनी राय पर दोस्तों बाबर ने आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, पढ़ें आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन है भारत भवन की स्थापना कब हुई। तो आपको ये बताना है भारत भवन जो आपका भोपाल में है उसकी स्थापना कब हुई। तो मैं आपको सही आंसर सीधा बता देता हूं, आपकी जो भारत भवन जो आपका भोपाल में है उसकी स्थापना 9 फरवरी 1980 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 44, 44 नंबर क्वेश्चन है कि पचमणी किस नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन है आपका कि पचमणी किस नदी के किनारे है। पहला ऑप्शन में है आपका नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है आपका ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है महानदी और अगला ऑप्शन है आपका तवा। तो पचमणी आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तवा नदी के किनारे। पढ़ते हैं दोस्तों और आगे, अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ भारत भवन कहाँ है। तो मैं दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि भारत भवन आपका भोपाल में है। और बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर,
अगला क्वेश्चन है, सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 12वां है, 13वां है, 14वां है, 15वां है, ये आपको सही आंसर बताना है क्या है दोस्तों। 15वां, हाँ 15वां आंसर, द आंसर बिल्कुल सही है। पूरे देश में मध्य प्रदेश का 15वां स्थान है सड़कों की दृष्टि से। हाँ तो पहला स्थान महाराष्ट्र मुंबई का है शायद, आप कंफर्म कर लेना एक बार। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? भोपाल से होते हैं, जबलपुर, इंदौर से, या ग्वालियर से? सबसे ज्यादा समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? तो आपका भोपाल से सबसे अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ें आप पहले। क्वेश्चन क्या है, दिया सलाई का कारखाना कहाँ है? नेपा नगर में है, बुरहानपुर में है, पन्ना में, या ग्वालियर में? तो आपको ये बताना है दिया सराई का कारखाना कहाँ है। तो ये दिया सराई का आपका जो कारखाना, माचिस कहाँ बनती है दोस्तों? ग्वालियर में बनती है। किस जगह पे? ग्वालियर में। बढ़ते हैं और आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, जोवट परियोजना धरा में किस नदी पर स्थापित है? जोवट परियोजना धार, सॉरी, जोवट परियोजना धार में किस नदी पर स्थापित है? तवा नदी पर, नर्मदा नदी पर, हथनी नदी पर, या पार्वती नदी पर? तो इसका सही आंसर दोस्तों हथनी नदी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन, मैंने 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। द्रविड़ शैली का प्रदेश में एकमात्र मंदिर है, आपको बताना है, महाकाल उज्जैन मंदिर, या आपका सरस्वती मंदिर धार, या 64 योगिनी मंदिर आपका खजुराहो, या तेली का मंदिर ग्वालियर? तो द्रविड़ शैली में एकमात्र मंदिर है आपका वो है तेली का मंदिर ग्वालियर, आपके ग्वालियर के किले के अंदर ही है ये मंदिर। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी रिक्वायरमेंट दें। यदि और कुछ आप मुझसे जानना या पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख भेजें, मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।